इसके रूट्स क्या है? ए एंड बी। तो इसके सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, समझ गए, -5/1। ए बी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय -7। ए बी -7 आ रहा है सॉल्व करके, समझ रहे हो। और ए प्लस बी -5 आ रहा है। जो नई इक्वेशन है उसमें सम ऑफ रूट -p/2 हो, समझते हो, और वैसे रूट हमें दे भी रखे हैं उसके, क्या a+1 एंड b+1। तो इनको ऐड करो, सम सम निकालने के लिए इनका एडिशन करोगे, इक्वल्स टू -p/2 -b/a का फॉर्मूला। अच्छा ए प्लस बी तो हमें पता ही है, पुट कर दो -5। अच्छा हाँ -5+1+1। -3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, पी सिक्स सिक्स आ गया। पी क्या आ गया बच्चों? सिक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप क्या करोगे बच्चों? a+1 × b+1। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a q/2। ए बी प्लस प्लस ए प्लस बी बी प्लस प्लस वन। अब बताओ ए बी की इज इक्वल टू q/2। क्या आपको ए बी की वैल्यू पता है? क्या पता ए बी की वैल्यू? -7। ए प्लस बी की क्या पता है? -5। +1 इज इक्वल टू q/2। -11 इज q/2। क्यू प्लस आ गया -22। अब उसने एट द एंड ऑफ द डे क्या पूछा? p+q। हाँ माइनस p क्या आया बच्चों? 6। p की वैल्यू क्या आई थी? 6। q की वैल्यू क्या आई है? -22। -16 आ गया फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी -16। समझ आ गया?